Students, so in this video I am going to explain grade 6 English chapter number 5, a different kind of school. Yahan pe different kind of school Miss Beam ka hai. Her unique thought process, unique way of teaching kids and indulging thoughtful process in them. Yahi unke school ki khasiyat hai jo hum is chapter mein bhi padhne wale. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने बहुत सुना है Miss Beam के स्कूल के बारे में, but last week मुझे उधर जाने को चांस मिला. When I arrived, there was no one in the sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक गर्ल थी जो कम से कम 12 years की थी. उसके आँखों में एक पट्टी लगी हुई थी और उसे एक लड़का था जो उससे कम से कम 4 साल छोटा होगा, वो उसे ध्यान से लेके जा रहा था. जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो लड़की रुक के उसने मेरी तरफ़ देखा, जैसे उस लड़के को कह रही हो कि बताओ कौन आया है. और वो जो छोटा सा लड़का था वो उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन आया है. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. She had the kind of plump figure that is likely to be comforting to homesick child. Miss Beam जैसा मैंने सोचा था वो वैसी ही थी. मिडिल एज वुमेन थी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी और दयालु भी थी और लोगों को समझती भी थी. उनके जो बाल थे अब वो सफ़ेद होना चालू हो चुके थे और वो थोड़ी सी प्लम्प थी. प्लम्प होना यानी थोड़ा सा फैट होना, थोड़ी सी फैट थी पर इतनी ही थी जिससे कोई बच्चा डरे नहीं, बट उनके साथ आके कैसा फील करे, कंफर्टेबल फील करे, उनके साथ वो अच्छा फील करे. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हर्ड वर सिंपल. मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, उनके टीचिंग टेक्निक्स के बारे में पूछे तो वो बड़े सिंपल ही थे, ऐसा हमारे ऑथर ने सुन रखा था. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग. उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं सिखाती बच्चों को, कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है. बच्चे पढ़े और लिखे वही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. मैं उन्हें सिंपल स्पेलिंग सिखाती हूँ, एडिशन सिखा देती हूँ, सब्सट्रैक्शन सिखा देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ और लिखना सिखाती हूँ. द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. There are practically no other lessons. और बाकी का सारा कुछ मैं उन्हें पढ़ के सिखाती हूँ और उनके साथ इंटरेस्टिंग बातें करके सिखाती हूँ, जिसमें उन्हें एकदम स्ट्रेट बैठना है और अपने हाथ स्टिल रखने हैं, मतलब कुछ काम नहीं करना है उस टाइम पर. और मैं और कोई तो लेसन्स बाकी मैं करवाती नहीं हूँ बच्चों को, ऐसा मिस भीम ने कहा. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थाट एज टू टीच थाटफुलनेस, kindness to others and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? ये जो स्कूल है इसका मेन एम ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाए, बल्कि उनमें एक थॉटफुलनेस डाला जाए जिससे वो सोचे, जिससे वो लोग दयालु बने, रिस्पॉन्सिबल बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, लोगों के लिए सोचे. ऐसा एक एम है हमारे स्कूल का. फिर वो हमारे ऑथर से कहते हैं कि आप एक मिनट सिर्फ विंडो के बाहर देख सकते हो क्या. Okay, so this is the part 1 of the explanation of chapter number 5, a different kind of school. Kindly move to part 2.